सुप्रीम कोर्ट से जहां गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन जारी रखने के साथ साथ भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने की हिंदू सेना की जो याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है, हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन जारी रखने की मांग की गई थी। हालांकि इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में उससे जवाब मांगा है। आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, सीधा उनका रुख कर रहे हैं। आशीष बताएं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। जी देखिए, हिंदू सेना एक मांग लेकर आई थी। उनका यह कहना था कि बीबीसी जो है वो देश विरोधी गतिविधि में हमेशा से लिप्त रहता है और भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ वो काम करता है। ऐसे में उसके खिलाफ जो है वो जो बीबीसी बैन लगाया गया है वो तो सही है ही, बीबीसी के कामकाज पर, बीबीसी के भारत में ऑपरेशन पर रोक लगा दी जाए, ये मांग लेकर आज इस पर सुनवाई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच थी, लेकिन बेंच ने कहा कि इस तरह का आदेश वो जारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के अध्यक्ष है, उनका ये कहना था कि किस तरीके से चाहे निर्भया मामला हो चाहे कश्मीर मामला हो, बीबीसी इसी तरह भारत विरोधी चीजें दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और ये डॉक्यूमेंट्री भी गुजरात दंगों पर है, पीएम मोदी की गलत छवि पेश करने की कोशिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मिसकंसीव्ड है, पूरी तरह गलत याचिका और इसमें कोई भी मेरिट नहीं है, लिहाजा इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता। और ये भी कहा कि ऐसा आदेश कभी वो जारी नहीं कर सकते और इसके साथ ही इस याचिका को खारिज कर दिया है। जी जी, एक याचिका यहाँ पर ये भी दाखिल हुई है जिसमें कि जो डॉक्यूमेंट्री पर बैन है उसके खिलाफ, उस मामले पर अब कब सुनवाई हो रही है, क्योंकि केंद्र को भी वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए वो अप्रैल में वो सुनवाई होगी, उसमें बीबीसी बैन को चुनौती दी गई है। महुआ मोहित्रा, प्रशांत भूषण, एन राम और एमएल शर्मा, इन ये पिटीशन है। हाँ। और इन्होंने ये कहा कि बीबीसी पर इस तरह बैन नहीं लगाया जा सकता, अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने जो बैन लगाया है वो आपातकालीन स्थिति बताते हुए उन शक्तियों का इस्तेमाल किया है जो केवल इमरजेंसी में शक्तियां इस्तेमाल की जा सकती है, जो पूरी तरह गलत है और ये असंवैधानिक है, मनमाना है, दुर्भावनापूर्ण है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था 3 फरवरी को और कहा था कि केंद्र सरकार अपने जो आदेश जो जारी किया गया था बैन का, उसका प्रासंगिक जो रिकॉर्ड है, ओरिजिनल रिकॉर्ड, वो भी लेकर आए। तो अप्रैल में एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी। अप्रैल में इसमें अहम सुनवाई होगी। आशीष आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक और कोर्ट में केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, वो है मामला वृंदावन का। यहाँ पर जो बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है आज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये आग्रह किया है कि इस याचिका को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। दरअसल मंदिर प्रबंधन के लिए होने वाले चुनाव को लेकर मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक पक्षकार ने विवाद को मथुरा जिला कोर्ट से हाथरस शिफ्ट करने की अर्जी हाई कोर्ट में लगा रखी है। पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से ये याचिका लंबित है, लिहाजा चुनाव ही नहीं यहाँ पर हो पा रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि इसके बाद मंदिर प्रबंधन के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कमेटी बनाने का रास्ता साफ होगा। आशीष भार्गव हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, इस केस में आज क्या कुछ हुआ है? जी देखिए, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जल्द इस मामले को सुनवाई करे और इसका निपटारा करे, क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि 6 साल से लंबित है ये केस, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, प्रबंधन चुनाव मंदिर जो प्रबंधन के चुनाव को लेकर ये एक पिटीशन थी जिस पर लंबे समय से मथुरा सिविल कोर्ट में मामला चल रहा था। एक पक्ष चाहता है कि मामला हाईकोर्ट जो शिफ्ट हो जाए मथुरा सिविल कोर्ट से हाथरस में, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने काफी वक्त से सुनवाई नहीं की है, तो इसलिए चुनाव वहां नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा है कि वो इस मामले में जल्द सुनवाई करके अपना फैसला दे कि ये जो चुनाव का जो मुद्दा है प्रबंध समिति के, ये हाथरस में चलेगा या फिर मथुरा की सिविल कोर्ट में चलेगा। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करनी होगी, जल्द सुनवाई करके फैसला करना होगा। और इसके बाद हालांकि एकदम से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक पक्ष जो इस फैसले से खुश नहीं होगा हाईकोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट आएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसाइड करेगा।